इंडियन बैंक के ऊपर आपके अपने यूट्यूब चैनल हाइपर ट्रेड SB के अंदर मैंने वीडियो अपलोड किए बस दो, जिसमें एक फ्रेश बाइंग का था, जिसमें दूसरा था इसके अंदर एवरेज का सपोर्टेड वीडियो। जब मैंने आपको बताया था दोस्तों हमारा 110 पे एंट्री हुआ है, टारगेट 125 शॉर्ट टर्म और 140 प्रोफेशनल लेके चलेंगे इंडियन बैंक। इससे ज़्यादा टारगेट आपको 3 से 4 महीने में बिफोर क्वार्टरली रिजल्ट यही लेवल देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। ये बात भी मैंने खुद बताया, आप देख सकते हैं 140 नहीं 150 के लेवल तक नज़दीक जाके आया, फिर से अब ये 140 पे सस्टेन कर रहा है। यानी स्टॉक बढ़ने की अपनी एक स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है ऑल ओवर बैंक सेक्टर के अंदर, यानी PSU बैंक्स में आता है अपना इंडियन बैंक गवर्नमेंट के हिसाब से। इसके हिसाब से जो टक्कर देने वाला है वो कैनरा बैंक है, बाकी इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बाकी छोटे छोटे बैंक हैं जो इसके टक्कर में नहीं आते और ये उन लोगों से कम्पीट भी नहीं करता। पर इंडियन बैंक की रैली ऐसे होती है, सस्टेन करता है तो डेफिनेटली रैली देता है, कंसोलिडेट करता है तो रैली देता है, पर गिरते वक्त ज्यादा नहीं गिरता। 20 रुपए की रैली देता है पर 5 से 6 रुपए ही गिरता है। अभी भी इंडियन बैंक ऐसी ही स्ट्रेटेजी बना रहा है, तो उसके हिसाब से फ्रेश बाइंग मुझे देखने को मिल रही है तो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद सोहेल, आपके सामने स्टॉक पे बात कर रहा हूँ इंडियन बैंक। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंडियन बैंक का वन डे का कैंडल चार्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं आपको इसका स्ट्रेटेजी बताता हूँ, सुनिए। सस्टेन कर रहा है, रैली दे रहा है, फिर रिवर्सल ट्रेंड। बड़ा है कितना, समझिए 100% बड़ा। गिरा कितना उसके अंदर, बस 80%। फिर उसके बाद रैली दिया है, फिर इधर जो स्टॉक है नीचे गिरा नहीं, सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब स्टॉक के अंदर रैली आने वाली है, पर यह रैली डिविडेंड की आने वाली है। तो मैं जो आज टारगेट भी बता रहा हूँ, लेवल भी बता रहा हूँ, ये एक डिविडेंड की रैली की शॉर्ट पोजीशन ट्रेडिंग समझिए। तो उसके हिसाब से इंडियन बैंक में आपको एंट्री लेना है दोस्तों 140 और 135 के बीच। एवरेज के लिए हम लोग 125 पकड़ के चलेंगे, सेम ये अपने लेवल्स के हिसाब से ही काम कर रहा है। क्यों मैं आपको 140 से लेके 135 के अंदर एंट्री दे रहा हूँ, क्योंकि चांस मिस ना हो। उसके हिसाब से अगर ये 40 भी आया, RSI सपोर्ट भी पकड़ेगा, तो डिविडेंड की रैली डेफिनेटली देगा। उसके हिसाब से अगर आप काम करना चाह रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड MACD के हिसाब से स्टॉक ये जो नीचे जा रहा है ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्लोज करते हुए रैली जबरदस्त देगा रैली। तो मेरा सजेशन आपसे ये लेवल्स पे बाई करवाना है, और दूसरा इस लेवल पे एवरेज है, टारगेट आपका इसके अंदर 150 है दोस्तों। अगर इसके अंदर प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म टारगेट के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो आप 161 टारगेट, ये नए लेवल के टारगेट है जो डिविडेंड की रैली में मिलने वाले हैं। ये मेरा सजेशन है, ये लेवल्स के लिए भी काम कर सकते हो, ये लेवल्स के लिए भी काम कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए फॉर इंट्राडे लाइव टिप्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप एंकरेजिंग मी दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए। 6 जुलाई 2021 ट्यूसडे, इंडियन बैंक का क्लोजिंग है 140.65 पैसा। ये मैं टारगेट निकाल रहा हूँ फॉर 7 जुलाई 2021 वेनेसडे के लिए। वेनेसडे लाइव मार्केट में आपको मेरे लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले या सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, आप मेरे टारगेट एंड स्टॉप लॉस लाइव मार्केट में लेकर चल सकते हैं दोस्तों।